गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप एवरीबडी इज गुड एंड डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर। आज हम लोग ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे एयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ जो है वो एक बहुत बड़ी चादर से घिरी हुई है, वो एयर की चादर है, यानी कि हवा की चादर है, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितनी भी जीवित वस्तुएँ जीवित चीज़ें हैं अर्थ पर, वो एटमोसफेयर पर ही डिपेंड करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो एटमोसफेयर पर डिपेंड करती हैं। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीद एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। अब ये एटमोसफेयर हमें किससे बचाता है? ये एटमोसफेयर हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, साथ के साथ ये हमें सूरज की जो हार्मफुल रेज हैं, हानिकारक किरणें हैं, उनसे भी बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। अब यही ब्लैंकेट जो है हवा का, वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वी वुड बी बेक्ड, अगर ये एटमोसफियर ना हो तो दिन के समय हम लोग बिल्कुल जल भुन जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और रात के समय हम बिल्कुल जम जाएंगे। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो ये हवा का ही मास होता है जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है और अर्थ में रहने लायक एटमॉस्फेयर बनाता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या आता है? यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। आपको पता है कि जो हवा हम लोग सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं वो बहुत सारी गैसेज का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें होती हैं जो एटमोसफेयर का सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वान्टिटी। और जो बाकी की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, ये बहुत कम क्वांटिटी में होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर। गैसों के अलावा जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं वो भी हवा में मौजूद होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, फिगर 4.1। तो 4.1 में जो पाई चार्ट दिया गया है इसमें कॉम्पोजिशन दिखाया जा रहा है कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में हैं। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है एटमॉस्फेयर में 78%। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स इन एक्सहेल। जब हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट इनहेल करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, लंग्स तक पहुँचती है ये, और फिर एक्सहेल यानी कि सांस बाहर छोड़ देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनको सर्वाइवल के लिए यानी जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन वो पेड़ पौधे नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। बैक्टीरिया जो कि जड़ों में पौधों की और मिट्टी में रहते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको पौधे के इस्तेमाल के लायक बना देते हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर गैस आती है जो हवा में होती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। ह्यूमन और एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन कब बनाते हैं? जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही होती है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेंस कॉन्स्टेंट। इसी वजह से ऑक्सीजन का जो कंटेंट है हवा में वो कॉन्स्टेंट रहता है, एक समान रहता है। इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। लेकिन अगर हम पेड़ों को काट दें तो ये जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी एक इम्पॉर्टेंट गैस होती है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाई ह्यूमन और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाई द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस।
तो जितना हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतने पेड़ ऑक्सीजन निकालते हैं, और जितना ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं पेड़ उतना ऑक्सीजन ले लेते हैं। यानी कि जो एक परफेक्ट बैलेंस है नेचर में, एटमॉस्फेयर में, वो बना रहता है। हाउएवर द बैलेंस इज़ अपसेट बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल एंड ऑयल। लेकिन कभी कभी ये बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो जाता है फ्यूल के जलने की वजह से, जैसे कोयला है, तेल है। दे एड बिलियंस ऑफ टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफेयर ईच ईयर। ये जो है बहुत बिलियंस ऑफ टन्स में कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में हर साल मिलता जाता है। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, जिसकी वजह से ये जो बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम है वो हमारे अर्थ के वेदर को, क्लाइमेट को प्रभाव डाल रहा है। दिस इज ऑल फॉर द टुडे। यू आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। यू हैव टू रीड दिस डू यू नो थिंग देर इज अ लिटिल बिट थिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। सो यू हैव टू रीड इट योर ओन। एंड टुमारो वी विल बी डूइंग नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।